शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए असंवेदनशील वक्तव्य से आक्रोशित वित्तविहीन शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के मान सम्मान की मांग को लेकर लखनऊ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश द्विवेदी के नेतृत्व में शिक्षक विरोधी योगी हटाओ मानदेय बढ़ाओ रैली का द्वितीय दिन सीतापुर में आयोजित हुआ। शिक्षक प्रदेश अध्यक्ष उमेश द्विवेदी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अपने असंवेदनशील वक्तव्य को तत्काल वापस लेते हुए प्रदेश के वित्तविहीन शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था करें, अन्यथा प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के 87% का योगदान करने वाले लगभग 3.5 लाख शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी की उपेक्षा सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी। पिछली सरकार ने वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया था। जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहना शुरू किया कि पिछली सरकार ने आपको 1000 रुपये दिया, ये एक तरह से भीख है और ये अपमान हुआ शिक्षकों का। हमारी सरकार बनवाइए, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे और सभी शिक्षकों का हम सम्मान करेंगे पूरे प्रदेश में। लेकिन इसके उल्टा जब इनकी सरकार आई तो मानदेय बढ़ाने की बात कौन कहे, बल्कि जो मिल रहा था उसे भी इन्होंने खत्म कर दिया। इससे शिक्षक आंदोलित हुआ। 5 सितंबर को गांधी प्रतिमा लखनऊ में जब रेणु मिश्रा जी ने सिर घुटाया, अटल बिहारी वाजपेयी इंटर कॉलेज की ये शिक्षिका है, प्रधानाचार्या हैं, तो उससे तिलमिलाए योगी जी ने कहा कि ये सारे शिक्षक अपने पूर्व जन्मों के पाप भोग रहे हैं, जो ये सिर मुड़ा रहे हैं, इनका ये पेशा है। इस तरह उन्होंने बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की, कहा ये अयोग्य हैं। इससे पूरे प्रदेश का शिक्षक आंदोलित है, आक्रोशित है। हम लोगों ने कहा कि ये अपनी जो ये अशोभनीय टिप्पणी की है इसको वापस ले और जो मानदेय बंद कर दिए हैं उसको बढ़ाकर चालू करें, और जब तक ये नहीं करते तब तक हम लोग पूरे प्रदेश में 75 जिले में इनके खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है, सीतापुर में ये रैली आई है और बड़ी संख्या में शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं, आक्रोशित है, आंदोलित है। पूरे प्रदेश में ऐसे जारी रहेगा? पूरे प्रदेश में, कल हमारा लखीमपुर है, इसके बाद अगले दिन हमारा शाहजहांपुर है। इस प्रकार से पूरे 75 जिले में आंदोलन करके 7 जनवरी को जंतर मंतर पे बहुत बड़ा वहां धरना प्रदर्शन किया जाएगा योगी और भाजपा सरकार के खिलाफ।